पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ थैंक यू शुक्रिया 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 धन्यवाद तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैकेट ही ऐसी ऐसे करके आ जाती है वैसे मैं पतला हूँ अच्छा अर्चना जी कुछ लोगों का फिक्स होता है गर्मी की छुट्टियां मतलब नानी का घर है ना नानी के साथ तो चलो प्यार है फंसता है मामा मामा का बैंड बज जाता है उसकी सारी बहनें और भांजे इकट्ठा होके आ जाते हैं फिर मामा फिर भड़का होता है उसका फिर सारा टाइम ना कूलर में पानी भरने में जाता है साथ में पानी भर रहा था साथ में अपने बाप को बोल रहा था बाबू ओ बाबू जी जब मैं और बड़ी दीदी हो गए थे तो ये तीन और पैदा करने की क्या जरूरत थी अभी ये तीनों अपने अपने तीनों लेके आ गई हैं बड़ी प्रॉब्लम होती है अच्छा आजकल लोग कहीं घूमने जाते ना आजकल वो बड़ा सिस्टम हो गया ना कि आप नेट पे जाके रेटिंग दो आप कैसा लगा आपको होटल चलो होटलों के लिए तो फिर भी सही है कुछ लोग इतने लुखे होते हैं ना ताजमहल को रेटिंग दे रहे होते हैं कि 3.2 हमें इतना अच्छा नहीं लगा अच्छा ये जो रेटिंग दे रहे होते हैं ना इनके घर का बाथरूम देख लो अपनी टूटी में जुराब फंसा रखी होती है इन्होंने ताजमहल को रेटिंग दे रहे हैं अच्छा अंग्रेज इंडिया आते हैं ताजमहल के साथ फोटो खिंचाते हैं अपने लोग ताजमहल जाते हैं फिर भी अंग्रेजों के साथ ही फोटो खिंचाते हैं तो अंग्रेज के साथ खड़े हो गए यूं अच्छा अंग्रेज लोग कहीं बाहर जाते हैं ना उनके दो तीन चीजें फिक्स होती हैं डोंट फॉरगेट टू कैरी योर पासपोर्ट योर लाइसेंस उनकी शॉपिंग ही अलग होती है बुक खरीद रहे होते हैं बुक पढ़ लेंगे रास्ते में हमारे लोगों की शॉपिंग ही अलग होती है अच्छा मासी जी के लिए उल्टी वाली गोली ले ली मुन्ने के दो तीन डायपर अलग से ले लेना इनकी शॉपिंग अलग होती है अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में भले 2 बजे रात को सोएं लेकिन जैसे ये ट्रेन में सफर करते हैं ना तो अपनी बर्थ पे 9 बजे चादर बिछानी शुरू कर देते हैं नींद नहीं आ रही होती इनको ये होता है कि कोई ना आके बैठ जाए लेकिन मेरे जैसे कई ढीठ होते हैं फिर भी वो बिल्कुल कॉर्नर सी इतनी सी नुक्कर बनी होती ना वो जो उसी पे आके अपना ये तशरीफ टिका देते हैं अच्छा फिर जो आदमी सो रहा है उसने शॉल ली हुई ना वो फिर धीरे धीरे अपने पैर का अंगूठा निकालता है उसके पिछवाड़े पे ड्रिल करना शुरू करता है तो अभी क्या करें उठता नहीं वो भी ढीठ होता है थोड़ी थोड़ी चुभन तो होती है उसको फिर शॉल वाला धीरे धीरे बात शुरू करता है भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप वो कहता है मैं तो अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा आपका अंगूठा देखो कहाँ जा रहा है अच्छा जब कोई चिप्स बेचने वाला आता है ना ट्रेन में तब तो इतना दिल नहीं करता जब आता ना वो दाल लेके आता ना उसके बाद में उसके काट के प्याज डालता नींबू प्याज उसका नींबू निचोड़ के ऐसे ऐसे करता ना जब दो लोग ले रहे होते चार के मुंह में पानी आ रहा था वैसे ही देख रहे होते हैं ना छाबड़े वाले को ना आपके मुंह में पानी आया ना और छाबड़े वाले को यूं देख रहे होते हैं अच्छा वो भी ठीक है एक आता मूली वाला जो मूली को ऐसे बीच में काट के ना एक मूली ऐसी इसको काट के ऐसे चार नहीं बन जाती फूल सा बन जाता है फिर चटनी लगा के अच्छा सपोज दिल्ली से ट्रेन जा रही है मुंबई या मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन जा रही है अहमदाबाद तक तो चले गए अहमदाबाद में मूली बिकनी शुरू हुई तो मूली खा ली ग्वालियर तक टाइम ठीक है तो मूली जो होती है असर दिखाना शुरू करती है ग्वालियर के बाद तो ये जो मुंबई से अहमदाबाद तक रिलेशन बने होते हैं ना ये बिगड़ते हैं ग्वालियर से जाके निजामुद्दीन तक फिर तो कुछ लोग तो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना कि एसी कोच की खिड़की खोलनी पड़ जाती अच्छा कुछ लोग होते हैं जो शहर के आसपास ही होते हैं ना कि शहर से 200 किलोमीटर दूर है कुछ ना तो ये बस में जाते हैं ना ही ये ट्रेन में जाते हैं ये अपनी बाइक पे निकल जाते हैं 3-4 घंटे बाइक पे बैठे इनका पिछवाड़ा अकड़ जाता है पूरा वो पोर्शन इतना अकड़ जाता है फिर जब उतरते हैं ना ससुराल में जाके लोगों को लगता है जीजा में अकड़ बड़ी है तो वो उनको क्या पता कैसे आया तो वो आदमी बेचारा बाइक पे बैठे बैठे अकड़ा होता है अच्छा ऐसा ही सेम हाल होता है जब शादियों की बसें जाती ना बारात जाती जब एक शहर से दूसरे शहर 3-4 घंटे का होता है तब बड़ी प्रॉब्लम होती है तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना खा पी के चढ़े कहीं दारू पी के चढ़े ताऊ के डालते हैं थोड़ा बस रोकना ताऊ जी को कहीं हल्के होना है ताऊ का बहाना होता है धीरे धीरे ना सारे रिश्तेदार उठ के जंगल की तरफ मुंह करके लगे होते हैं और कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं
चूहे के बिल पे निशाना बना रहे होते हैं। चूहे भी गालियां दे रहे होते हैं, चूहे गालियां दे रहे होते हैं, कमबख्त तेरा बेड़ा गर्क, जो तेरा बाथरूम है हमारा बेडरूम है वो होता है। अच्छा कभी कभी ऐसे हस्बैंड वाइफ साथ में जाए ना तो लगे ज्यादा, अरे पति बड़ा भड़कता है, ये लेने की क्या जरूरत थी, कम नहीं कर सकती, वाटर कूलर लेने की क्या जरूरत थी, वाटर कूलर अपने दो सूटकेस लेके चलता है। लेकिन जब बीवी अकेली जा रही हो तो ध्यान रखता है कुछ छूट ना जाए, याद दिलाता है बार बार, भाई देख लो महीने के लिए जा रही हो, कुछ रह ना जाए। उसको यही होता है कि 28 दिन में वापस ना आ जाए कहीं। अच्छा कुछ लोग ना सुलभ शौचालय में भी पैसा बचा लेते हैं, जैसे अपना ये दिनेश नहीं, हाँ इसको पता चला कि सुलभ शौचालय में बच्चे के पैसे नहीं लगते तो ये साथ में बच्चा ले गया, बाद में बच्चे को साइड पे खड़ा करके खुद लगा हुआ। अच्छा बाहर से कोई आवाज सुन रहा था, वो हैरान कि है तो बच्चा, टंकी इतनी बड़ी, हाय हाय। अच्छा आप लोगों में भी बहुत सारे लोग जब ट्रैवल करते होंगे या कोई ट्रैवल करके आपके घर आता है, आपको भी तो परेशानियां होती होंगी, कोई शेयर करना चाहता है तो खुला स्वागत है आपका। जी भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सागर चोटलिया। किसने पूछा? मैं बताया। अच्छा सागर, तो जी हाँ क्यों बोला आपने पहले? जी हाँ दोस्तों। यस जी हाँ दोस्तों। जी हाँ मैं हूँ खलनायक। कहाँ से आए आप ब्रदर? बोरीवली। बोरीवली? बोरीवली से? यस। अच्छा जी कपिल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अहमदाबाद ट्रैवल कर रहा था काइट्स फेस्टिवल के दरमियान, तो बस में मुझे एक लड़की दिखी और लड़की को मैं। अच्छा और लड़की को मैं? अहमदाबाद जा रहे थे। हाँ। अच्छा जी। और वो लड़की रूबरू मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसे दिख रही थी। अच्छा। काफी मजा आया मुझे उससे देख के, तो देखते ही देखते उसने मुझे एक बोला कि मैं आपसे एक बात पूछूं। हाँ। मैं बोला ये भी कोई पूछने की बात है पगली। वाह। तो फिर नॉर्मली फिर उसने मुझे बोला कि मैं नहीं हूँ अहमदाबाद में, तो आप मुझे गाइड कर पाओगे? मैं बोला क्यों नहीं, मैं यही चाहता था। तो फिर मैंने उसको बोला कि अहमदाबाद में एक माणिक चौक है, रिवर फ्रंट है और मैं हूँ, हम लोग साथ में घूम सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही नॉर्मली बात करते करते, मेरा थोड़ा फ्रेंकली नेचर है तो बात करते करते अच्छा। सब मेरे दोस्त लोग उतर गए और मैं बस में आगे चला गया। फिर 3 किलोमीटर के बाद पता चला कि अहमदाबाद चला गया और मैं रह गया वहाँ पे। अच्छा। तभी पता चला लड़की अलग जगह और डेस्टिनेशन अलग जगह, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सागर कितनी प्यारी बातें करते हो आप। Yes, कहाँ क्या करते क्या हो आप? सर स्टॉक मार्केट में हूँ। अच्छा। यस सर। कितनी उम्र क्या है आपकी? 25। Yes, बड़ी जल्दी मैच्योर हो गए तुम। यस सर। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी तुम्हारे साथ क्या चीटिंग हो गई? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा जी। और एक बार मेरे चाचा के लड़के हमारे घर पे आए हुए थे घूमने के लिए। अच्छा। तो उनको दिल्ली घूमने जाना था, लाल किला वगैरह, तो वो मेरे से बोले कि भाई तू अपनी बाइक दे दे, मुझे घूमने जाना है। मैं ठीक है भाई आप मेरी बाइक लेके जाओ। अच्छा। तो मैंने बाइक दे दी, फिर उसके बाद वो बोले कि भाई मेरे को शूज भी दे दे, मेरे थोड़े गंदे हो रहे हैं। अच्छा। मेरे फेवरेट शूज थे, मैंने घर से नंगे आए थे सारी चीजें आप ही से मांग रहे नहीं सर वो अपने शूज लेके आए थे लेकिन उनके थोड़े गंदे हो रहे थे। अच्छा। तो वो मेरे से बोले कि भाई तू दे दे, मैं ठीक है दे देता हूँ। मैंने दे दिए, फिर वो बोले कि भाई मेरा मोबाइल छोटा है, कैमरा ठीक नहीं है, मुझे फोटो वगैरह लेने हैं तो तू अपना मोबाइल दे दे। अच्छा। मैंने न्यू मोबाइल लिया था सर। अच्छा। तो मैंने बोला कि भैया सॉरी मोबाइल तो मैं नहीं दे सकता। तो वो पापा के पास गए मेरे और पापा से बोला कि उससे बोलो कि मोबाइल दे दे। मैंने मेरा मन नहीं था, मैंने फिर भी उनको मोबाइल दे दिया पापा ने बोला। तो अब वो घूमने के लिए गए, जाते वक्त तो उन्होंने मेरी बाइक का चालान कटवा दिया सर। अच्छा जी। और वहां से घूम के वापस आ रहे थे तो उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उसमें उनको भी थोड़ी चोट आई। अच्छा। सर चोट उनको आई थी, दर्द मुझे हुआ था। बाइक की वजह से ना? जी सर, बाइक का हेड था, वो पूरा हेड लाइट वगैरह सब टूट गया। हाँ। और जो मेरे शूज थे आगे से वो भी थोड़ा सा खराब हो गए, फट गए। और सर सबसे मेन पॉइंट जो मेरा मोबाइल था उसका डिस्प्ले टच सब कुछ वो खराब हो गया सर। फिर एक्सीडेंट उनका हुआ लेकिन दुख मेरे को बहुत हुआ। दिल्ली के रहने वाले हो आप? जी। इधर रहते हो अभी? यहाँ पे घूमने आया हूँ तो फ्रेंड लोग के पास रह रहा हूँ। अच्छा। कितने दिनों के बॉम्बे में आए हुए आपको? 10-12 दिन सर। 10-12 जाओ अभी। सर आज जाओ। अभी ये प्रॉब्लम बता रहे ना, मेरे चाचा लड़के ने ये किया, खुद भी तो करते होगे कुछ ना कुछ किसी घर में जाके। नहीं सर वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ। मामा आए हो, 10-12 दिन तो हो गए। किन के फ्रेंड्स के यहाँ रुके हो, वो तो फ्रेंड ही बता पाएगा ना, वो आया साथ में।
नहीं मैं अभी अकेला आया हूं। वो भी किसी दूसरे शो में जाके बता रहा होगा, एक फ्रेंड है जी मेरा, 12 दिन से आया, जा ही नहीं रहा है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, घूमो फिरो मुंबई, इंजॉय करो, शुक्रिया धन्यवाद। सर्चना जी हमारे कुछ बड़े खास मेहमान आ रहे हैं, मैं जरा खुद जाके उनको लेके आता हूँ, आप इधर रहिएगा, आपका मन करता तो चेंज करके आ सकती हैं। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह रिपोर्टिंग मैम। कौन कहता है पुलिस टाइम पे नहीं आती? 9:30 का शो है, 9:29 में मैं इधर हूँ। अगर उसके बावजूद भी लेट हो जाऊं तो समझ लो ये जो सुपरस्टार सिंगर वाले इनका कसूर है। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, ये हैं जनाब, चोर भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको उसको बोलो गोल्ड मेडल लेके आना है। अच्छा मैराथन नहीं भाग रहा तो फिर क्या फायदा, उसकी किडनी पे 3 मुक्के मार के वापस जेल में डालो उसे। हाँ, उसके पास बंदूक भी है। अच्छा कोई निकल रहा होगा उधर, तुम मदद मांगो किसी से। देखो खोपचा देख के छुप जाओ। हाँ, चोर चक्के बड़े घूम रहे हैं, पुलिस नहीं कम होनी चाहिए। छुप जाओ, चलो। अर्चना जी। हाँ जी। आप यकीन नहीं करेंगे मुझे, 4 हवलदार और 1 कुत्ता दिया डिपार्टमेंट ने। हाँ? आप यकीन नहीं करेंगे इतना वफादार कुत्ता है, मैंने 4 बार बेचा उसको, घूम फिर के वापस आ जाता है, इतना वफादार है। लेकिन ये जो हवलदार है ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। अच्छा? 2 हवलदार तो मेरे नीचे काम करते थे, SP बन गए, अब मुझे उनको सलूट मारना पड़ रहा है। कोई लॉयल्टी नाम की चीज ही नहीं। वैसे मैंने पुलिस की नौकरी के लिए बड़ी मेहनत की अर्चना जी। अच्छा? मैं जब भर्ती होने गया मुझे कहते दौड़ के दिखाओ। हाँ? मैंने फिर एक औरत की चैन खींची भाग गया, इंस्पिरेशन चाहिए ना भागने के लिए। उसके बाद मुझे कहते छाती बुलाओ, मैंने छाती बुलाई, कहते और बुलाओ, मैंने कहा मैंने वर्दी पहननी कि ब्लाउज पहनना है मतलब। लेकिन अर्चना जी मैं आपको बताऊं, पुलिस की नौकरी बड़ी टफ है, स्पेशली ये जो होते ना अपना ड्रिंक एंड ड्राइव वाले। हाँ? हमें ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए लोगों के मुंह सूंघने पड़ते हैं। हाँ? अलग अलग लोगों के मुंह सूंघ के ना हमारे अपने मुंह से मिक्स कॉकटेल की स्मेल आने लगती है। हाय रब्बा, इतनी स्मेल आती है फिर हमारी बीवी हमें मुंह नहीं लगाती। वो तो शुक्र है मेरी दूर की नजर गंदी है तो मेरे 2 बच्चे हो गए, वरना वेरी टफ। ईमानदारी मुझ में बड़ी कूट कूट के भरी है। हाँ? आप यकीन नहीं करेंगी, एक बार मुझे टाइम बम मिला, मैंने टाइम बम में से घड़ी उतार ली और बम मैंने थाने में जमा करा दिया। तो मैं घड़ी का टाइम सेट कर रहा था, उधर बम फट गया, पता नहीं कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, बम फटा, 4 दीवारें थाने की और 2 हवलदार गायब। चलो दीवारें तो चलो सीमेंट की मिट्टी की, हवलदारों को तो बता के जाना चाहिए था ना, इनडिसिप्लिन लोग। हमारी पुलिस डिजिटल हो गई है। हाँ, जो रिपोर्ट वगैरह होती है हम लोग ऑनलाइन लिख लेते हैं, डंडा मारने हमें खुद जाना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे हमारे थाने में CCTV कैमरा लगे हुए थे। अच्छा? अच्छा, एक दिन CCTV कैमरा चोरी हो गया। हमने फुटेज चेक की, हमारे 4 अपने हवलदार पकड़े गए। इतना काम खराब, हमने उतरवा दी एफसी के, तो हम सारे पकड़े जाएंगे। कमाल है। अच्छा, पब्लिक को पता नहीं पुलिस के पेट से क्या परेशानी है। जिसका थोड़ा सा पेट बाहर आ जाए कहते इनका पेट अंदर होना चाहिए, भी हमारा पेट के हाईवे के बीच में आ रहा है कि जो ट्रैफिक जाम हो रहा है। कमाल है, पुलिस से आपको उतना ही डरना चाहिए जितना आप अपनी पत्नी से डरते हो। ओ, और प्यार भी उतना ही करना चाहिए जितना आप अपनी पड़ोसन से करते हो। तब आपको पुलिस अच्छी लगेगी। वैसे भी पुलिस और पत्नी जो होती है दोनों की राशि एक होती है, दोनों ही आदमी को शक की नजर से देखते हैं। अच्छा? पुलिस जो होती है अपने रिमांड से मारती है, पत्नी जो होती है अपने डिमांड से मारती है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप तो मुझे पहले से डबल नजर आती थी। क्या दारू पिलाई आपने? वाह, मजा आ गया, ये भी डबल डबल नजर आ रही है। ये तुम लोग मुझे डबल कैसे दिख रही हो? डबल, मैं तो सिंगल हूँ। गुड न्यूज, मैं भी सिंगल हूँ। चलो फिर दोनों मिंगल हो जाते हैं, उसके बाद
छोटे-छोटे जिंगल करेंगे। वैसे आपको काम क्या है? सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवानी? किसको लिखवानी, तुमको या इसको? मुझे लिखवानी है, इसका पता नहीं। पता नहीं। एक मिनट, एक एक करके बताओ, कानून सबकी मदद करेगा, किसकी? सबकी नहीं, मेरी मेरी मदद कीजिए। तुम दोनों हॉस्पिटल में हुई थी कि फोटोकॉपी दुकान में हुई थी? दोनों में से ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल तो मैं ही हूँ, इसका पता नहीं। किसका 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 उसको उसको क्या है ये? आप मेरी रिपोर्ट लिखेंगे कि नहीं? क्या है रिपोर्ट बताइए? वो ना, मेरा बेबी गुम हो गया है। मुझे भी प्यार से लोग बेबी कहते, मुझे ले जाओ। अरे बॉयफ्रेंड वाला बेबी नहीं, मेरा फोन। बॉयफ्रेंड तो वैसे भी सिम कार्ड की तरह होते हैं, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, लेकिन फोन नहीं। वाह, अभी क्या चाहिए तुम्हें, बॉयफ्रेंड चाहिए कि फोन चाहिए? ऑफ कोर्स फोन। बस इतनी सी बात, मिस कॉल मारो, मिल जाएगा। फोन नहीं है, मिस कॉल कैसे मारूं? लोग यहाँ पे बैठे बैठे लोगों की कुर्सियां मार लेते, तुमसे मिस कॉल नहीं मारी जा रही। अरे यहाँ मेरा फोन खो गया और आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ मजाक सूझना पड़ता है। हाँ, तुम्हें भी सूझना पड़ेगा दो तीन दिन बाद। हर बार डबल रोल नहीं चलेगा, नहीं तो आदमी को निकाल देते हैं ये। वैसे तुम दोनों में से किसका फोन खोया है? मेरा खोया है, इसका पता नहीं। किसका, उसको पता नहीं, उसका, इसको पता नहीं, किसी का, किसी को पता नहीं। मुझे तुम्हारा फोन नंबर ही पता नहीं है। मैं किसी भी अनजान को अपना नंबर नहीं देती। अनजान क्यों, तुम सिर्फ जान समझ के दे दो। नंबर बोलो अपना। 9 9 8 8 7 7 एक मिनट, 6 6 5 5 मेरा फोन आपकी जेब में घुस रहा है, क्या है ये? डर, पुलिस का डर। चोर डर के मारे पहले मेरी जेब में डाल गया। सब समझ आ गया इंस्पेक्टर साहब? सब समझ में आ गया ना, तो अपनी मर्जी से जो भी डालना है अपनी श्रद्धा से मेरी जेब में डाल दो। चलो शट अप। इनकी अंग्रेजी खराब है, इनकी अंग्रेजी खराब है। आई लव यू की जगह शट अप बोल के जा रही हूँ। होता है कभी कभी बरसात के मौसम में अंग्रेजी को फंगस लग जाती है। ओए, 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 ओए। ओए, ओए, कानून के हाथों से भी लंबी लड़की। वैसे तो कानून को हाथों में लेना मना है, पर आप चाहे तो मुझे भाव में ले सकती हैं। शट अप। ए, थैंक यू। मेरे शट अप का है। आई अंडरस्टैंड। अभी मैंने कहा ना आपको बरसात के मौसम में अंग्रेजी को थोड़ी फंगस लग जाती है। हाँ, तो आई लव यू बोलना चाहो तो शट अप निकलता है। बकवास बंद करो, कप्पू का है यार। तो कप्पू को मारो गोली, आप छोड़ो बरा, आप हमारे साथ रहिए। वैसे भी आप किसी और के साथ रहेंगी तो हीरोइन रखने के इल्जाम में अरेस्ट हो जाएगा। बैठ के बातें करते आइए। देखिए आप ना मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर सीधे डेट पे चलते किसी रेस्टोरेंट पे। मेरे पास ना डेटे नहीं है, मैंने फिल्मों को दे रखी है। एक आध डेट पुलिस वाले को भी दे दो, हमारा भला हो जाएगा। भला कैसे हो जाएगा? वो आप इतनी लंबी हैं, देख के बता सकती हैं कि अपराधी कहाँ तक भाग गए, हम पकड़ लेंगे जाके। करी ना नकली वाली बात, मुझे ना डाउट हो रहा है आप असली पुलिस वाले हैं भी कि नहीं। मैं दिखाती हूँ कैसी होती है पुलिस, मेरे साथ आइए पटियाला की पुलिस। पटियाला पुलिस नहीं होती, पटियाला पैक होता है, दो मारो चार दिखते, मेरे को पता है मैंने लगाए हुए। बोला तुम्हें चार मारेंगे तुम्हें आठ दिखेंगे। पुलिस, आप पुलिस बुलाएंगी तो आप आंटी हो जाएंगी, आपने सुना होगा वो आंटी पुलिस बुला लेगी। शट अप। अरे थाड़ीदार साहब कहाँ हैं आप? आप लड़की को परेशान कर रहे हो? नहीं। अरे आप तो पुलिस को बुला रही थी। हाँ, तो ये तो सरदार जी हैं। देखो आई लव सरदार जी, मुझे सरदार जी का डर नहीं है, सरदार जी का डर इनको है। क्योंकि अगर सरदार जी वापस आ जाएंगे तो इनकी कुर्सी जाएगी। आप ऐसे इनकी पर्सनल सिक्योरिटी में लगे हुए? हाँ, लगा हुआ। आप कहाँ लगे हुए हैं? आपके आने से पहले तो मैं इनके साथ फ्लर्ट में लगा हुआ था। हाँ, वैसे मैं सस्पेंड चल रहा हूँ। और अगर आप ऐसी बातें करते रहे तो आप नौकरी से निकल भी सकते हैं, समझे? आप ऐसा ना करिएगा, मेरे होने वाले बच्चे हैं छे होने वाले बच्चे
आप मैडम के साथ रहिए, मैं कपूर शर्मा को भेजता हूँ। गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? एक बार जोरदार तालियां दिलजीत साहब के लिए और कृति के लिए। पाजी वेलकम, वेलकम, जोरदार तालियां हमारे दोनों सुपरस्टार के लिए। पाजी क्या बात लग रहे हो आप? क्या बात है पाजी? या तो आपने मेरी पैंट चुराई है या मैंने आपकी टी शर्ट चुराई है। ये के कलर कौन सा होता है? भाई रेडियम। रेडियम? हाँ नियॉन गाइस, नियॉन। रेडियम कौन सा कलर है? ये रेडियम ही तो है, वो जो सड़कें बनाते हैं पहनते नहीं। पंजाबी में रेडियम, चलो ठीक है फिर। पंजाबी में रेडियम बोलते हैं? नया नाम मिला मुझे भी और आप लोगों को भी। बट आजकल नियॉन बोलते हैं, नियॉन इज इन। आजकल बोलते हैं? चार पांच दिन पहले क्या बोलते थे? एक बार हमारे सुपरस्टार पाजी के लिए जोरदार तालियां। आज मेरा भाई आया है कृति, आइए प्लीज वेलकम। लड़कों को भाई बना लेता है। डोंट टॉक रबिश। मैंने देखा था तुम्हारी आंखों में जिस दिन मेरी शादी थी, शी वाज सैड। ओह माय गॉड, नो 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 नो, आई वाज सैड फॉर द गर्ल। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा डेवलप हो गया। ओह माय गॉड। आइए, बहुत बहुत स्वागत है दिलजीत दोसांझ और कृति सनोन। पाजी ट्रेलर देखा अर्जुन पटियाला का? मजा आ गया देख के, छाए हुए आप दोनों। थैंक यू। अच्छा पाजी, ये पुलिस वाले आप बने हुए, ये तो क्लियर हो रहा है, तो ये पुलिस के ऊपर फिल्म बनी है कि पुलिस वाले फिल्म में भी फिल्म बना रहे हैं? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है पाजी। पुलिस वाले फिल्म में फिल्म बना रहे हैं? अच्छा हाँ। पुलिस वाली पिक्चर है ये पूरी पूरी जी। और एक स्पूफी जॉनर जो है वो अंग्रेजी में ही है, इंग्लिश में ही है। यू नो व्हाट स्पूफ इज? या व्हाट जो अभी आपने कहा। नहीं नहीं, स्पूफ का मतलब क्या होता है? देखो कृति, फिल्म आपने की दिलजीत दोसांझ के साथ, शो पे आई आप कपिल शर्मा के, तो अंग्रेजी हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करना। ले देके हम ऐसे गुजारा करेंगे। सिखा तो सकती हूँ ना ये, मुझे भी अभी पता चला। अभी मैंने इनको सिखा दिया है। मुझे भी ये स्पूफ क्या है? स्पूफ फिल्म है ये, मुझे अभी पता चला करने के बाद। पर पाजी इतने क्यूट लग रहे हैं, मैं देखा क्यूट बंदे का ना फायदा बड़ा है। दिलजीत का भोला भाला चेहरा है ना जो, भोले भाले आदमी बड़ी ऐश करते हैं। देख लो फिल्म में बहुत ऐश करनी चाहिए, तेरा तो बहुत ही क्यूट सा भोला भाला चेहरा है। भोला है ना? एक तो मुझे समझ में लगता है ये मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि हूट कर रहे हैं। वो करके एक तो फिल्म में कृति सेनन आपकी हीरोइन, हाँ जी भाई। दूसरा सनी लियोनी के साथ डांस कर रहे हो आप। हाँ जी। ओ यस, मुबारक हो। आपने दिलजीत पाजी का डायलॉग देखा कि पटियाला आ गया, अब कोई फालतू मुकदमे नहीं होंगे, सीधे फैसले होंगे। पर ये पटियाला कौन सा है? ये शहर है कि पटियाला पैग है? जब पटियाला आता है ना पाजी, फिर डायरेक्ट फैसले होते हैं। वो कभी कभी गलत जाते हैं, मेरे से तो बड़े हुए हैं। नहीं, पर... नहीं लेकिन डायरेक्ट तो थे ना, डायरेक्ट हो गए। ये तो है डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट वाली कोई बात नहीं। अच्छा कभी खुशी कभी गम आपने फिल्म देखी होगी सबने, उसमें जय जी जो हैं बच्चन साहब को स्टूल पे खड़े होके टाई बांधते हैं। कृति आप इतनी लंबी हैं, दिलजीत भाई लंबे जोड़े हैं, कभी ऐसा किसी फिल्म में हुआ आपको कि आपका रोमांटिक सीन चल रहा हो हीरो के साथ और नीचे पाटला देके आदमी खड़ा हो? बहुत बार है, कई बार ऐसे भी हुआ कि मेरे रोमांटिक सीन हो रहा है और शॉट है और इतना शॉट है तो मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ और मैंने पूरा सीन ऐसे करा है ताकि हाइट कम हो। उस समय फील कैसे आता होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ? तो बट हुआ है सर, रोमांटिक तो फिर भी हो गया पाजी, इमोशनल कैसे होता होगा? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। शाहरुख सर के साथ मेरा एक सीन था दिलवाले में, जिसमें मैं उनके साथ बॉल डांस कर रही थी और वरुण काजुन मैम के साथ कर रहा था, तो उसमें था पाटला एंड शाहरुख सर वॉज एक्चुअली वेरी ओके विद इट। वो बोल रहे थे मैं तो लंबी लड़कियों के साथ ही काम कर रहा हूँ बहुत टाइम से। हाँ एक्चुअली उन्होंने काफी लंबी हीरोइन के साथ काम किया तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
अच्छा यहाँ हाइट की बात चल रही, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है लंबी हाइट के फायदे हैं या छोटी हाइट के? बच्चन साहब का गाना याद आ गया मुझे, जिसकी भी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कौन कौन अपने विचार पेश करना चाहता है जी? हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो मैम। सर आज पता नहीं क्या बोली। क्या हाल ब्रदर, कहाँ से आए हो आप? सर मैं बिहार के पूर्णिया जिला से हूँ सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका शो देखने आया हूँ। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन डिटेक्टर हुआ। पवन डिटेक्टर। डिटेक्टर 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 क्या डिटेक्ट करते हैं? अच्छा पवन डिटेक्टर, डिटेक्टर मैं पीछे फेमस करने के लिए लगाया हूँ सर। आपको मतलब पता ना डिटेक्टर का? और सर ये मतलब मीनिंगलेस है, और डिटेक्टर का मतलब मीनिंगलेस ही है। मैंने फेमस करने के लिए लगाया क्योंकि मेरी छोटी हाइट की वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही थी। अरे लेकिन इतनी छोटे नहीं लग रहे। हाँ अच्छे खासे हाइट है तुम्हारी, ठीक ठाक। खास करके मेरी कॉलेज की एक लड़की थी ऐश्वर्या, आप मेरी करीब में आके उसके बाद बोलती थी देख क्या है तेरा। अच्छा। तो उसके लिए मैंने दवाई खाई, तरह तरह का मेडिसिन लिया, और मेरा हाइट में कुछ मेरी हाइट में कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ। दवाई हाइट बढ़ाने की खाई ना? जी जी सर, मैंने तो फिर बड़ी हाइट नहीं सर, कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ। साइड इफेक्ट हो जाते हैं पता कभी कभी दवाइयों के। कभी कभी हाथ लंबा हो जाता है, एक एक तरफ की मूंछ लंबी हो जाती है। मैंने बड़े ऐसे किस्से देखे हैं सर, ये सब बात बोल रहा था, फिर भी मैंने रिस्क लिया कि अगर हाइट लंबी हो गई तो बेटर, और उसके बाद लास्ट में डिसाइड किया कि फाइनली लंबी लड़की से शादी करूंगा। लंबी लड़की से शादी करूंगा? अच्छा, उससे क्या होगा? वेरी गुड, इससे जनरेशन चेंज हो जाएगा। मेरा सही नाम है भाई, डिटेक्टर सही रखा तुमने अपने। सही है। थैंक यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त जी? मेरा नाम चंचल है। चंचल। 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 कंचन। चंचल। चंचल। कंचन। कंचन। चंचन। चंचल। 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 ओके जी। मेरा इश्यू है कि आई एम इन कॉलेज राइट नाउ। ओह माय गॉड। स्कूल में हमें फर्स्ट बेंच पे बिठाया जाता था, शॉर्ट गर्ल फर्स्ट बेंच, और मैं इतनी पढ़ाई में इतनी होशियार भी नहीं हूँ, तो बहुत इश्यू हो जाता था। ये मुझे एडवांटेज होता था, मुझे सबसे पीछे बोला जाता था। मेरे सब फ्रेंड्स से सब टॉल हाइटेड है, सो मैं मस्ती भी नहीं कर पाती हूँ, एंड सब पढ़ के जाना पड़ता है, टीचर्स का फोकस ऑन द फर्स्ट बेंच ओनली। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? मैं अभी 11th में हूँ। अरे अभी तो हाइट बढ़ेगी आपकी। 11th के बाद बढ़ती है? हाँ बढ़ती है। अच्छा, जो जल्दी 11th में आ जाए। और ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आई एम इन मुंबई, सो आई हैव टू ट्रैवल विद द लोकल ट्रेन, सो तो कौन सा स्टेशन जा रहा है पता ही नहीं चलता, बीच में फंस जाता है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम सामने आ रही है सोसाइटी में। थैंक यू चंचल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जी, ये अपने विचार पेश करेंगे हाइट के ऊपर। गुड इवनिंग कपिल सर, मेरा नाम उर्वेश है। जी उर्वेश। लंबी हाइट के फायदे भी है, नुकसान भी है। कैसे? फायदे ये है कि कभी भी किसी लड़की को गले लगाओ ना तो सीधा दिल पे आते हैं, मतलब धड़कन उसको सुनाई देती है। वाओ। और एक है कि कभी भी वो साइड में खड़ी रहेगी ना, अपन हाथ रख के खड़े रह सकते हैं, स्टैंड बन जाते हैं छोटी लड़की। आपकी हाइट क्या है? नीचे देख कर आपकी हाइट अगर लंबी है तो लड़की को ऐसे रख सकते हैं, बस स्टॉप पे किसी के भी रख सकते हैं और वो रखने देगी। अरे पहचान वाली होगी तो वो ऐसे नाक से पकड़ेगी लंबी लड़की और घुमा देगी ऐसे, किसी के हाथ रख सकते हैं। क्या फायदे बताए भाई साहब ने। वेरी गुड। और कोई फायदा? नुकसान भी है कि नुकसान क्या है? दिवाली में कभी वैकेशन है या घर पे बैठे रहो तो मम्मी चढ़ा देती है, इधर चढ़ के ये उतार दे, पंखा साफ कर दे। ये तो मम्मी का फायदा हो गया ना, तो हमारे लिए नुकसान है ना। नुकसान, अच्छा, नुकसान ये है पंखा साफ करना पड़ता है। और बस दो ही फायदे नुकसान?
थैंक यू उर्वेश. सो अब वक्त है फिल्म अर्जुन पटियाला के एक और किरदार को यहाँ पे बुलाने का. प्लीज वेलकम वेरी फनी वेरी टैलेंटेड वरुण शर्मा. वरुण आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू भाजी. मेरा छोटा भाई है. आई लव हिम सो मच. पाजी आई लव यू टू यार. वरुण पाजी लेकिन एंड रेडियम लग रहे हो आज. एंड रेडियम लग रहे हो आज. इधर भी देख लो. हम दोनों नहीं लग रहे ऐसे. इंग्लैंड में सड़कें बनाते हैं हम लोग. वरुण बैठो आपका स्वागत है. हाँ ऐसा थोड़ी कि तू मेरा भाई तेरे को बैठने के लिए कहूंगा. बैठो बैठो आराम से. फिल्म में वरुण का नाम है ओनिडा सिंह. अब तो फ्लैट टीवी आ गए. तुम्हें ओनिडा नाम क्यों रखा? बट एक्चुअली इसकी भी एक बैक स्टोरी है फिल्म में. और डैडी मम्मी को ना टीवी का बड़ा शौक था. लेकिन डैडी मेरे निकम्मे, कोई काम धाम नहीं करते थे. माँ गुल्लक में पैसे जोड़ती थी. एक दिन डैडी ने गुल्लक तोड़ के पटियाला पैग लगाने लग गया कुछ. हाँ. है टीवी तो है नहीं बल्कि मैं आ गया. तो माँ बाप ने बड़े चाव से मेरा नाम ओनिडा रख दिया. सो क्यूट. अच्छा आपको पता है वरुण ने 7 साल की उम्र में बाजीगर देखी थी. फिर इसने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है. मतलब शाहरुख खान को देख के डिसाइड किया था कि जॉनी भाई को. भाजी मैं एक्चुअली मैं 7 साल की उम्र में मैं गाना देख रहा था. काली काली आंखें गोरे गोरे गोला. मैं उस टाइम में तोतला बोलता था. अच्छा तो मैं बेड पे खड़े होकर गाना चल रहा था. मैं कहा ये ताली ताली आंखें ये दोए दोए दाल. तो उस टाइम में मैं भाग के मम्मी के पास गया. मैंने कहा मम्मी मुझे बड़े होकर ना एक्टर बनना है. अच्छा मम्मी ने कहा बेटा अभी खाना खा लो बाद में बात करते हैं. हाउ ब्यूटीफुली लाइफ केम इन अ फुल सर्कल कि मुझे काजोल मैम और शाहरुख सर के साथ ही काम करने का मौका मिला दिलवाले में. और अब्बास मस्तान जी ने हमारी फिल्म डायरेक्ट करी थी जिन्होंने बाजीगर डायरेक्ट करी थी. वाह. तो इट ऑल जस्ट केम इन अ होल सर्कल. अगर घूम तो जाके ढूंढो यार. ये गाना गाने वाला बात है क्या? सब लोग दिलजीत दोसांझ नहीं होता है यार कि गाना गा के कुड़ी मिल जाए. ऐसा नहीं होता है सर. ये गुड सर. आई एम नॉट गुड. मैं अच्छा यादव है. मेरा भाई है बच्चा यादव. मैं लंदन से है. लंदन आपको ऐसा लग रहा देखा हुआ है. आप लोग से क्षमा चाहेगा मेरे को आने में थोड़ा देर हुआ. नो प्रॉब्लम. या हमने तुम्हें बुलाया नहीं. तुम्हें भी आने के लिए इतना उत्सुक नहीं था. तुम लोग ये सोनी चैनल के ऊपर मेरा प्रोमो चला देता है. मैं मजरूबन मुझे आना पड़ता है. मजरूबन क्या? मजरूबन. एक तो मैं आया लेकिन मेरे आंखें इधर मैं खुश है कि इधर किया वरुण का शर्मा है, कृति का सैनन है, दिलजीत का दोसांझ है. सर दिलजीत जी आपके पास दोसांझ है. एक दे दो ना. दो का क्या कर रहे हैं? पाजी आपके पास दो सांड है ना. हाँ. हमारे पास दो सांड है. एक इधर है एक उसका भाई. ये तो अच्छी बात भी कर लिया करो तुम्हारे लिए अब भी. तुम्हारे लिए अच्छी बात किया. खुश अभी? Are you happy? Yeah. Sir, you good, sir? Sir, are you good, sir? Hi, hi, Rabba. Oh, mera Paramatma. Are you good, sir? Bhai, I'm a good, yeah. Yeah. Show mein itni sundar ladke, unke bare mein koi baat kar rahe. Main baat karega. Kab karega? Main abhi kar raha hai. Kriti ji, aap itna khushboorat hai. मैं कई बार सोचता है कि अपना स्कूल कॉलेज में आपने कभी एग्जाम दिया क्या? खाली खुशबूरती के लेवल पे आपको पास कर देते थे. मैं पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ी है. पता है एक्ट्रेस बनने से पहले इंजीनियर थी ये. नो नो लाइक रियली रियली नो 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 मुंबई में मेट्रो का काम कभी खत्म होएगा? इनको क्या पता? इंजीनियर नहीं बताएगा तो कौन बताएगा यार? नहीं लेकिन मैं सच में बोल रहा है. आप मतलब इंजीनियर हो के फिर इतना बड़ा एक्ट्रेस बना वो मेरा तो आश्चर्यचकित निकल गया यार. आश्चर्यचकित निकल गया. वैसे कृति जी मैं मेरे को आपका ना
You good, sir? Sir, you're good. Oh, my God. I'm a big fan of you, brother. Amazing. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Just control, yeah? Oh, yeah, bro. Yeah, bro. Yeah, bro. I was saying that आपको वो गाना मेरे को बहुत पसंद आए कौन सा सन सन नन नन सन सन नन 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 कृति सनन अरे उनका गाना नहीं है लेकिन गाने में उनका नाम जो है ना यार कम ऑन यार कपिल शर्मा है यार और वैसे भी है मेरा और कृति जी का आप उसका नाम लाए डॉगी डॉग का वाइफ को क्या बोलते हैं बिच हां हम दोनों के बीच का बात है यार तुम्हारा दिक्कत क्यों निकल रहा है? तुम्हारा दिक्कत क्यों निकल रहा है? Easy, bro, easy. तुम इधर क्या करने आया है? मैं ना, मैं सच बताएगा, कृति जी मैं आपसे शादी करने के लिए आया है। आई ला। नहीं मेरा, मैं आपसे शादी करने के लिए। शादी करने के लिए आया। क्या है कि मेरा माँ ने मुझे बोला कि अच्छा सा लड़की देख के शादी कर लो तो मैं अभी इधर आया मैं आपको देख लिया तो अभी शादी कर लेते वैसा भी मेरे को फॉरेनर लड़की से ही शादी करना है लेकिन ये तो इंडियन है दिल्ली से है ब्रो मैं तो बारगाव से है ना मैं लंदन से है तो मेरे लिए फॉरेन अपना दृष्टिकोण को बदलो डूड कैसे कैसे शादी कर लोगे अपने बारे में बताओ तो सही कुछ उनको मेरे बारे में मैं लंदन में सर बहुत बड़ा आदमी है एक मिनट तेरे को फोन भी आया मेरे को इतना बड़ा आदमी लंदन से नो लाइक वेयर इज इट अपना ही हाथ नहीं तुम्हारा जेब में जा रहा या ये ओ वाइस चांसलर का फोन है एक मिनट हेलो या वाइस चांसलर जरा जोर से बोलो तुम्हारा वाइस नहीं आ रहा है क्या तुमको चांस चाहिए तो रुको थोड़ा मैं देगा मैं सोचेगा उसके बारे में ओके 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 चलो अभी बोल तो मैं फोन काट रहा है ये वाइस चांसलर ए वाइस चांसलर तुम्हें जानता है ऑफ कोर्स अरे उनको वाइस चांसलर को थोड़ा प्रॉब्लम है यार उनका वो जो क्या बोलता है वो चीज को इंडिया में ऐसा दुकान के ऊपर पैसा कलेक्ट करने के लिए बैठते जगह पे क्या होता है वो गल्ला हां उनका गल्ला में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्या दवाई लेना है इसके लिए मेरे को फोन किया तो मैं उनको अभी मैसेज भी कर दिया कि तूत मलंगी का तेल दिन में 3 बार लगाओ सब ठीक हो जाएगा तूत मलंगी क्या होता है तूत मलंगी ये क्या होता है दातुन लाइक रियली You don't know tooth malangi? Tooth malangi, bro. No. Yeah, mera to hairan nikal gaya yaar. Tumko tooth malangi nahi malum? No. To phir to tumko tutar paada bhi nahi malum hoga. Tutar paada kya hota hai? Tutar paada kya hota hai? Kya? Ja bro. Tutar paada ko raat ko bhigo ke rakhega tabhi to subah tooth malangi banega. एक मिनट तुम्हारा लंदन में दवाइयों का काम है मेरा बहुत सब में बहुत अमीर आदमी है यार दवाई इज जस्ट वन ऑफ देम या वन ऑफ देम बाकी मैं अपना वो टुंडा अमरूद हम लोग सप्लाई करता है पूरा वर्ल्ड में लंदन से अमरूद कब से टुंडे होने लगे बे तुम्हारा आम लंगड़ा होता है हमारा एक अमरूद टुंडा ना हो सकता हमारे जगह सप्लाई करता है यार और तुम क्या ये भेदभाव कर रहा है यार फॉर व्हाट तुम्हारा अंदर का ना इंसान को मैं भाप लिया है क्योंकि मेरा भाप का राज है अरे भाई कृति जी तो मेरे को बताइए मैं ये रिश्ता कुक्ड समझू कुक्ड बोले तो हिंदी में क्या पका मैं ये रिश्ता पका समझू तुमसे शादी क्यों करेंगे किसी बड़े आदमी से करेंगी बड़े डॉक्टर से किसी इंजीनियर से किसी बड़े ऑफिसर से कपूर शर्मा तुमने कभी सोचा है कि रेल का पटरी पे पत्थर क्यों होता है क्यों नहीं सोचा तो थोड़ा देर सोचो मैं कृति जी से बात करेगा था ओहो क्या बात है एनीवे सर
आप पंजाब से, and I really like Punjab. Oh really, bro? Yeah, yeah. Wow. जानता कुछ पंजाब के बारे में? मैं सब जानता है यार. पंजाब वो जगह है जो कनाडा को बंदी supply करता है. Doesn't know that, yeah? Supply नहीं करते हैं, वो पढ़ लिख के चले जाते हैं बाहर कभी कभी. ओह बस करो यार. हाँ? वो तो जो बाकी लोग का वीजा नहीं लगता है, वो इधर ये कपूर शर्मा शो में आ जाता है ना. Nice sir, मैं आपको सच्ची बता रहा है, इधर इतना ज़्यादा पंजाबी है कि ये सोनी वाला ना इधर एक अलग कनाडा बना सकता है ये जगह पे. इतना है. क्यों पाजी? है पाजी, है पाजी, है पाजी, है ये बारे है. अच्छा यादव, आप हमारे मेहमानों को परेशान ना करो, अब जाओ अभी. देखिए मैं जाने को तैयार है, पर क्या इतना अर्जेंटली आदमी मेरे को बुलाया, मैं मेरा बटवाला ना भूल गया. अभी मेरा सब मुद्रा खत्म हो गया है. मुद्रा लाइक धनराशि, धनराशि, धनराशि मेरा खत्म हो गया है. तो सर अगर आप अपना जेट मुझे दे देंगे तो मैं वापस चला जाएगा. इनके पास कौन सा जेट है? जेट एंड जूलियट. आपका पंजाबी फिल्म है सर, बहुत पॉपुलर है, मैं जानता है, मैं इतना रिसर्च करके आया. नहीं लेकिन सर ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है. सच ये है कि मेरा एक अंबानी अंकल है इधर, जेट में उनसे ले लेगा, लेकिन उड़ाना आपको पड़ेगा. क्यों? वो थोड़ी ना पायलट है. वो पंजाब उड़ा है यार, उड़ता पंजाब, मेरे को वो भी मालूम है. सर क्या फिल्म है सर, मैं जितना बार वो फिल्म देखा ना मेरा बहुत चक्का निकल गया. Shocked, I was shocked. Yeah. Hey, bro, bro, bro. मैं आपका ट्रेलर देखा फिल्म का, उसमें आप बोल रहे हैं कि मम्मी पापा टीवी लाने वाला था, नहीं लाया, आप आ गया तो आपका नाम उन्हीं रख दिया. तो मैं जानना चाह रहा है कि फिर आपका मम्मी पापा डायपर चेंज करता था कि चैनल? Anyways, मैं आपको बताया सर, लंदन में मेरा ना मेरा बहुत सारा काम है, बहुत अमीर है उधर. Yeah, बहुत अमीर. तो मेरा उधर में जोशीटी का भी काम करता है. किसका? जोशीटी रहता है जो भविष्य पटेटो, भविष्य पटेटो है. मैं उधर पटेटो मतलब अपना क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं दूसरा, अरे आलू बड़ा, मैं भविष्य बताता है. तो मैं हाथ देखता है, मैं सर आपका हाथ देखेगा? यस प्लीज. मैं जोशीटी है तो मेरा बनता है. जोशीटी इधर आके बैठ के देखिए. थैंक्स ब्रो. थैंक्स. या मैं हाथ दिखाएगा सर. आपका हाथ ना सर साइलेंट मोड पे है. व्हाट? क्योंकि आपके हाथ में रिंग नहीं है, रिंग नहीं होएगा तो साइलेंट मोड हुआ ना. या यू गो दैट, या यू गो दैट, यू गो दैट. या ब्रो मैं आपको भी बताएगा, मैं आपका हाथ दिखाऊं. दोनों दिखा दिए उसने. ब्रो आपका हाथ पे तो नाखून ही नहीं है. यहाँ पे ना? हाँ इधर रखा है. मैं भी इधर ही रखा है, इधर बेटर रहता है. इधर अंदर प्रॉब्लम हो गया, खाना खाते वक्त हार्ड हार्ड लगता है थोड़ा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इधर ही रखना चाहिए. हाँ इधर ही ठीक है, वो नीचे ना है. एक बार आप दिखाओ, दिखाओ हाथ. सुपर. मैं एक ज्ञान का बात पेल दूं आपको? पेल दो. ज्ञान का बात दिखाओ. अच्छा है कि आपका हाथ ना खाली है, क्योंकि लाइफ में आप कितना भी चूचा कर लो आप खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, मैं बता रहा हूं खाली. कृति जी अभी आपका एक बार हाथ देख सकते हैं. मैं जोशी कौन सा वाला? ओ हो आपका अच्छा है. हाथ अच्छा है, अच्छा है. खाली ना ये आप दो फिंगर में रिंग पहना ना. हाँ. आपको एक्चुअली एक और में पहनने का, क्योंकि वो फिर बैलेंस ना. एक में कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इधर है, दिखाओ दिखाओ. आप इंतजार करो. थैंक यू कृति जी. अभी आप आदमी से बात करो थोड़ा, लेकिन मैं पीछे वेट करेगा और हमारा शादी बहुत जल्द होने वाला है. ऑलराइट, आई एम एंगेज्ड गाइस. मेरा सगाई हो गया है. थैंक यू ब्रो. थैंक यू. लव यू. मैं मिलाएगा कृति जी. मैं आएगा, मिलो मेरे को.
क्या बात है। अच्छा आपको पता है वरुण ने कृति को ब्रो बुलाते हो? हाँ। क्यों? ये ब्रो वाली ही बातें करता है मुझसे सारी सारी। वाली। मतलब मैं लाइफ में कोई भी बात कृति से कर सकता हूँ। मतलब मैं दिलवाले के टाइम पे मिली थी इससे और ब्रो वाली बातें करते हैं सारे ब्रो जोन वाली। तो ये तब से मुझे बोल रहा है, तब से आज तक यार मुझे ना गर्लफ्रेंड बनानी है, मैं ना गर्लफ्रेंड बनवा दे। तब से इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बनवा ले। वरुण की मम्मी भी यहाँ पे मौजूद है आंटी। आज राहुल इज आल्सो हियर। अरे राहुल भी आए हैं। हाय राहुल। हाय। हे कृति के पापा। अच्छा। हाय कपिल। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब भी मिलता कृति के पापा से, नाम भी कितना कूल है ना, राहुल। अंजलि भी आई है मम्मी। अंजलि भी आई है आज। हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनको तो फेमस बना दिया आपने। आप आई नहीं कभी, क्या कर रहे हो? कोई नहीं पहचानता। सारे पहचानते हैं। हाँ, अभी आप अंकल को टीवी पे लाइव किस कर दो, सब पहचान जाएंगे। तो इस तरफ जो बैठे हुए हैं वो वरुण की मम्मी हैं। तो ये लोगों को जाके बोल रहा है मेरी गर्लफ्रेंड बना दो, इसका करो कुछ इसका। मैं तो खुद इसको बोलती हूँ कि बेटा तुमको गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, इस उम्र में नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? कब बनाओगे? चार देख साल रहे माता में कितनी कूल है। वेरी गुड यार। मेरी माँ ने कभी नहीं कहा, सीधा डायरेक्ट शादी पे आ गई मम्मी। शादी कर लो, शादी कर लो, करवा ली ना, बिठा लो ना, कोई फ्लर्ट कर पा रहा हूँ, आधा धंधा मेरा बंद हो गया। और वो जो बीच में है वो हमारी प्रोड्यूसर की मम्मी है। अच्छा, पैसा वहां से आता है। दिनेश विजन जी की मम्मी है। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। अपने बेटे से बोल के हमें भी काम दिला दो। अच्छा, आपको क्या जरूरत है काम? वरुण तेरी अभी कराते रिश्ता, हमारा मैरिज भी है। देखो सीधी सी बात है, वरुण सिंगल है। कोई जो आपको इंटरेस्टेड हो गर्लफ्रेंड बनने में, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना। कोई है? एक दो। वरुण देख देख, वरुण डिमांड में है, तो तीन आइए। हेलो जी, कैसे हो आप? हेलो, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? हेलो, शर्मा रहा है। शर्मा रहा, लाल हो गया, टमाटर जैसे हो रहे गाल। आप तीनों इतनी प्यारी हो, खूबसूरत हो, किधर खड़ा हो रहा, बैठ उधर पाजी में। तू तो गर्लफ्रेंड बनाने को बोल रहा था, ये तो मतलब स्वयंवर हो रहा है। आपको इम्प्रेस करना है इनको, जो आपका दिल करे आपका ये। पाजी। आपका क्या नाम है? श्वेता। श्वेता कुछ थोड़ा श्वेता। पाजी में भी प्रोडक्ट ही है, देखो कैसा लगा। वो तुम्हें पसंद करती हैं लड़कियां, वो फिल्मों में देखा है तुम्हें, इसलिए। श्वेता कुछ कहो ना। सर, मैं बहुत शायराना टाइप की हूँ। अच्छा, और शायराना। आपकी जो आंखें है वो बहुत नशेली टाइप की है। नशेली या नशीली? नशेली टाइप। कह रहे आपकी आंखें बहुत नशेली टाइप की है। सर, जब मैं आपकी आंखें देखती हूँ तो मैं और ज्यादा शायराना टाइप की हो जाती हूँ, और मैं आपको देख के मुझे शायरी याद आती है। हाँ जी, एक शेर कहो जरा इतने नजदीक आकर। अरे अरे, किसी मोड पे तेरा दिलदार हो जाए, काश तुझे मुझ पे एतबार हो जाए, तेरी पलके झुके और इकरार हो जाए, काश तुझे भी मुझसे प्यार हो जाए। क्या बात, ये आपने अभी सुना है? यस सर। हैं? आपके लिए स्पेशल। अरे सो स्वीट, थैंक यू यार। आपकी नशेड़ी आंखें देख कर उन्हें ये शेर आया। मैंने पहली लड़की देखी जिसने जूड़ा भी रखा है, बाल भी खुले छोड़े हुए। वरुण सर, आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। थैंक यू सो मच यार। गोलगप्पे की तरह लगते हो। गोलगप्पे की तरह? गोलगप्पे पसंद है इसलिए वरुण आपको पसंद है। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी सोनी टीवी पे देख लो, सोनी आ रही। सोनी थैंक यू। मैं तो आपके लिए रिंग भी लाया है। क्या रहा? आपसे वहां बोलो अंगूठी। रिंग? हाँ, रिंग भी ले आए हो? हाँ, आपसे वहां बोलो। पाजी ये प्लान था पहले से। उनकी मर्जी, मैं मेरे को क्यों बीच में ला रहे? गर्लफ्रेंड बोला था। हाँ चलो, पा दो फिर, पा दो फिर, गाल निकालो और की है, पा दो। अरे ये सच्ची लाया, चलो जी जाके मत्था टेक दो। शर्म आ गई, मम्मी मत्था टेक दो।
आला मेरी भैन आला मेरा भाई मम्मी ने कर क्या बोल रही है? आंटी ने भी हाँ बोल दिए। हाँ? अरे बस वो स्वीट थैंक यू यार। शुक्रिया थैंक यू सो मच। ये ले लो ये मेरे को असली लग रही है। ये असली है but thank you so much, very sweet thank you, so sweet thank you. ले और बाकी ने भी जबिया भाई ना। बाकी ने थोड़ा जबिया बोली है। कह रहे ये ले लो वापस मुझे असली लग रही है। नहीं असली थी वो। दिलजीत भाजी एक बार हमने सुना है कि आप और एक इंटरनेशनल सिंगर जस्टिन बीबर जो है कहीं मुलाकात हुई थी आपकी कहाँ पे हुई थी वो हाँ वो दुबई में हुई थी भाई क्या बातें क्या हुई आपकी नहीं बातें कुछ नहीं हुई क्या बातें क्या हुई आपकी वो मैं लिफ्ट के अंदर गया वो फर्स्ट क्लास लाउंज में जाना था तो एक छोटा सा बच्चा आ रहा था पीछे से दो तीन एयरलाइन वाले साथ थे उसके तो हमें होता ना कि लिफ्ट में मैं चला जाऊँ पहले पहले कोई आ ना जाए ना तो मैं बटन दबा रहा था कि यार पता नहीं कौन पीछे है मेरे तो मैं लेकिन वो अंदर आ ही गया तो खड़ा हो गया कि तो मुझे ऐसे लगा देखने में मैं क्या कोई जस्टिन बीबर कॉपी टाइप कर रहा है बच्चा है ना अच्छा तो थोड़ी देर लिफ्ट ऊपर गई और उसने मुझे बोला कहता नाइस पेंट बिग गाय मैं क्या व्हाट द हेक जस्टिन बीबर अच्छा तो मैंने कहा हेलो जस्टिन कहाँ कहता वेयर यू फ्रॉम मैं कहा फ्रॉम इंडिया फिर उसके बाद बस इतना ही हुआ फिर मैंने फोटो वोटो के लिए भी नहीं पूछा मैं कहा मना कर देगा या तो फिर साला दिल ना टूट जाए अच्छा कृति की इंग्लिश इतनी अच्छी है कृति आपको ना हमने कुछ पंजाबी के वर्ड्स बताता हूँ आपको उसकी इंग्लिश बनानी है तो शब्द है कि चक दे फटे चक दे फटे तो आपको पता है ब्रो किल इट नहीं यार ये तो हो गया भाई मार दे ए, नहीं अरे वो डायरेक्ट नहीं होता यार चक मतलब आप फटे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में पजी स्टूल क्या बोलते हैं स्टूल 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 तो और कुछ होता है नहीं फट्टा अरे नहीं फट्टे प्लाई प्लाई नहीं नहीं यार वो उसके ऊपर लगती है पत्थर ना चक दे फट्टे 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 मतलब लकड़ी का लकड़ी के प्लैंक 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 आप पिक द वुडन प्लैंक हां आप द प्लैंक पिक द प्लैंक पिक द प्लैंक ये नई इंग्लिश सीख रही हूं मैं यहां पर चलो गेड़ी मारन चलिए चलो गेड़ी मारन चलिए लेट्स गो टू द वॉक राउंड लेट्स गो फॉर अ राउंड ओके राउंड अच्छा लेट्स गो फॉर अ राउंड और किद्दा व्हाट अप या लाइक नॉर्मली फॉर अ व्हाट अप व्हाट्स अप और किद्दा हाउ आर यू व्हाट्स अप ए व्हाट्स अप कैसे हो गया अभी अब व्हाट अप है नॉट इवन व्हाट्स अप व्हाट अप क्या खड़ा एक ही बात हुई व्हाट्स अप ये तो गलत हो गया और किद्दा व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप चाहिए ये ओके मिट्टी पाओ हां मिट्टी पाओ दवा करो Dust here. No, no, dust. Put the dust. Put the dust. Throw the dust. Yeah. Mitti pao. Okay, leave it. Leave it. Nahi. Put the dust. Put the dust. Okay, khote da putter. Khota is gada. Khota gada. Haan, gada. Son of a donkey. No, no. बड़े क्यूट लगते मेरे को गधे आपने देखा कभी जब बिल्डिंग बिल्डिंग बन रही हो ना तो एक गधे के ऊपर वो रखते ना ईंट तो ऐसे खड़ा होता है दूसरा गधा खुद ही आगे खड़ा जाता है तो वो इधर उधर नहीं देते कहाँ जाना पहला गधा जा रहा है ना उसके पीछे मैंने क्यूट लग रहा पाजी यस सर कुछ आपकी इंग्लिश चेक करनी हमने यस पाजी तो मैं दिलजीत पाजी को कुछ इंग्लिश फिल्मों के नाम बताऊंगा पाजी आपको पंजाबी में कन्वर्ट करने हो तो पहली फिल्म है जुरासिक पार्क छिपकली का अप्पू घर छिपकली पाजी डायनासोर का ना डायनासोर छिपकली कहाँ से आ गई बड़ी छिपकली बड़ी छिपकली होगी ना बड़ी डायनासोर तो अंग्रेजी हो जाता ना इसे ओके हैंगओवर हैंगओवर मतलब मेरा सिर दुखता है मेरा सिर दुखता है पर हैंगओवर टू बहुत ही सिर दुखता है हैंगओवर थ्री मैंने उल्टी आ रही है जी Pirates of the Caribbean. Caribbean. Caribbean the tote. Caribbean the tote. Tote? Paji pirates. Parrots नहीं पाजी pirates. Pirates. Pirates क्या होते हैं? समुद्री डाकू. समुद्री डाकू. समुद्री डाकू. पानी वाले डाकू. हाँ चलो कह लो. Okay. Harry Potter. वो तो Harry the Potter. Harry the Potter. Harry Potter. Men in Black. काले कच्छे वाले ये काले कच्छे वाले ऐसे नहीं पता आपको आपने हाँ, हाँ, कितना हुआ था ना पाजी हम तो कोठों पे चढ़ जाते थे भाई रात को मुझे नहीं पता ये
गैंग वो सिर्फ कच्चा पहनते थे और सारे शरीर पे तेल लगाते थे अब पकड़ ही नहीं सकते उनको और उनको पकड़ नहीं सकते थे बस आप उनको पकड़ दो तो फिसल जाते थे कच्चा ही पकड़ सकते थे बस उसका इतना बॉडी पे तेल लगा के आते थे ना वो कच्चे में से भी निकल जाते थे और एक बार कच्चे में से निकल जाते थे फिर पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी पकड़ने की पकड़ के जज साहब को दिखाएंगे क्या ये पकड़ा है अच्छा मैंने भाई क्या सोचती यार मैं यार तेल लगा के चोरी करने जा रहे हैं अच्छा अंग्रेज तो वैसे कच्चे पहन के घूमते रहते बाहर उनको तेल वाला आइडिया नहीं आया ये अपने इंडियन सोच सकते हैं क्या थॉटफुल था यार काम अच्छा पहन लो तेल लगा लो और लूटो दुनिया को वाह वरुण हाँ जी वरुण बहुत अच्छा एक्टर है और बिना बोले भी अपनी बात समझा सकता है वरुण कुछ चीजों के नाम आपको मैं दूंगा आपको कृति को और दिलजीत पाजी को नहीं दिखाना ये साउंड निकालेंगे उसकी और आपको गेस करना किस चीज की है वरुण दिखाना नहीं है ठीक है ईमानदारी वाला काम है निकालो आवाज आवाज निकालनी है बस हाँ साउंड सिर्फ कुकर सिटी कुकर प्रेशर कुकर अच्छा वेरी गुड पास कैमरा फोटो कैमरा गरारे गार्गल तो ठीक है यार हिंदी में गरारे बोलते हैं इसमें इंग्लिश भी लिखा होता ना इसीलिए फिर है प्लेन हाँ टेक ऑफ वाह यार टेक ऑफ ब्रेक ये ब्रेक हवा ऐसे कैसे आती है हवा बोला हवा कैसे होगा ब्रेक ब्रेक लगी जी अच्छा ऐसी कौन सी ब्रेक लगाते हो तुम बस ब्रेक लिखा हुआ था बस करना नहीं आया फिर है ट्रैक्टर ओ बाजी मेरे को उम्मीद नहीं थी बाजी डन ब्रो हाय दिलजीत हाय कृति हाय वरुण हाय कप्पू वैसे तो सबसे पहले आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई थैंक यू और सबसे पहले आपका है कलर आई थिंक अगली पिक्चर में ट्राई करने वाली मुझे बहुत अच्छा लगा बधाई बधाई तो ठीक है ये क्या अंग्रेजों की चुड़ैल बन के घूम रही थी ये देसी लोग ना कुछ नहीं समझेंगे दिस इज कॉल्ड मरमेड लुक मरमेड जलपरी आज हुई है मैचिंग आज होटो के हिसाब से सही ड्रेस पहनी इसने जा कोई तुझे मेंढक ना पकड़ ले कहीं आपने सुना है वो एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है वो यही मछली है वो कबू तुम ऐसे कैसे एक एक्टर को बोल सकते हो तुम्हें पता है ना मैं कॉलेज में प्लेस करती हूँ तो बेसिकली प्ले में मुझे एक मछली का रोल मिला है शुक्र कर अर्चना जी डिनर करके बैठी है नहीं तो अभी तेरी फिश करी बना के ना डकार भी ना मारती हूँ कबू तुमने सुना नहीं कि मछली जल की रानी है ये बात मछलियों ने सुन ली ना मेंढकों से थप्पड़ पड़वाना है तुझे फिर देखता हूँ तेरी टर्टर कैसे निकलती है ये तुम मछलियों का कम मत समझो अर्जुन ने भी मछली की आंख में तीर मारा था तब जाके शादी हुई थी अर्जुन की लेकिन अगर ये वाली मछली होती ना अर्जुन तीर नहीं मारता उसने कहा भीम इधर आओ गधे मारो चार पांच फिर ऐसी मछली ना यूं करके तैर रही होती मैं दीदी को बुलाती हूँ दीदी तुमसे बात करेंगी तितली दीदी लग रही हूँ इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो ना कृति कि मैं कह ही नहीं सकती कुछ दीदी मैं अपने बारे में पूछ रही थी फटे मुत तेरा मैं भी तो तेरे को इग्नोर कर रही हूँ पाजी सत श्री अकाल सत श्री अकाल बहन जी कुछ भी नहीं खाली हाथ ये क्या मतलब हुआ एक तो ये बात मैंने देख ली अर्चना जी क्या? कोई भी पंजाबी बॉलीवुड में जाता है ना कंजूस ही हो जाता है भाभी तुम भी तो पंजाब से तुम कौन से थाईलैंड से हो देवर जी आपको एक बात बोलूं क्या चूजा आए हैं आप बीच में चूचा मत करो समझे सब देखो बोलते ही रहते हैं अच्छा कितना प्यारा था मेरा पप्पू ऐसे लग रहे नानी के घर आम खाने आए कृति जी हाँ जी मैंने आपकी लुक्का छुपी देखी थी एक कड़वा सा सांप से कहना चाहती हूँ सुन लेंगे आप सुन लूंगी जी वो लुक्का छुपी में पहले मेरे को लेने वाले थे ये छुप नहीं पाई दूर से दिख रही थी तो फिर उन्होंने नहीं लिया है ना
देवर जी आप बीच में बोला मत करो, मैं अपनी बहन का करियर सेट कर रही हूँ। आप तो फिल्मों वाले लोग हो ना, प्लीज मेरी बहन को भी किसी फिल्म में हीरोइन दिलवा दो। दीदी मैं अपनी मेहनत से लगूंगी। अज्ञा थोड़ा दीदी पाजी मेहनत देखो बेचारी की, पाजी इतनी मेहनत करती है ना, 4 बजे से तैयार होने लगी है सुबह से, पाजी अब जाके तैयार हुई है, पूरा दिन वेली बैठी रहती है और जुगाली भैंसों से ज्यादा करती है। मैं आपको भैंस लगती हूँ? इतना क्यों चिढ़ रही है? मैं लगती हूँ फिर? पाजी तुझे मैं लगती हूँ? नहीं मैं तो हंसी नहीं रहा। फिर आप हंसते हो तो ऐसा लगता है कि मैं लगती हूँ? नहीं नहीं मैं नहीं हंसती। ठीक है, तुम लोग यहाँ झगड़ा करने आए हो? नहीं कप्पू शर्मा जी, ये बहनों का प्यार है। जिस बहन के घर छोटी बहन कुंवारी बैठी हो और सामने हैंडसम गबरू पुलिस वाला बैठा हो, तो मैं उसकी सेटिंग क्यों ना कराऊं? पाजी आप मेरी बहन से शादी कर लो, इसके बड़े फायदे होंगे आपको। एक्चुअली बड़े फायदे, सीरियसली आप पुलिस वाले बने हो ना, तो जुआरियों को पकड़ने के लिए छापे मारते हो। इसको बोलना ये घर पे बुला लेगी, सर्कल है इसका बड़ा। एक मिनट कप्पू शर्मा, खबरदार मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो वो जुआनी, स्नैचिंग, किडनैपिंग, दंगे जो करते हैं ना, उनके साथ सीधा कनेक्शन है मेरी बहन का। दीदी मैं भूरी हूँ, विरप्पन नहीं। विरप्पन तो हो भी नहीं सकती, उसकी मूछें तेरे से बड़ी थी। अरे कुछ बताना तो मेरे रूप के बारे में बता दो। रूप कह के मेरा हादसा निकलवा दी। रूप के लिए तो पाजी ये इतनी मेहनत करती है, भैंसों का जो दूध निकालती है वो मुंह पे लगाती है, घी लगाती है, मक्खन लगाती है, फायदा फिर भी कुछ नहीं, बेड़ा कर हुआ है। लेकिन हाँ कल से इसने गोबर लगाना शुरू किया, तब से ग्लो कर रही है, थोड़ा थोड़ा कर रही है। हाँ बस बहुत हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान को 2 झटके ना एक साथ बर्दाश्त नहीं होगी। खासा बात। कौन से 2 झटके? पहला इंडिया को वर्ल्ड कप का ना मिल पाना, और दूसरा बॉलीवुड को भूरी का ना मिल पाना। वाह। काश कहीं ताली में तेरा मुंह आ जाए, तेरा मैं जर्दा मल के किसी को खिला दूं। समझी इतनी तालियों क्यों बजी? मतलब बेइज्जती हुई निकलो। और ये झटका झटका क्या करी? झाड़ू पकड़ और झाड़ू कटका कर। और एक मिनट ये थैला उतार जाके, चल निकल यहाँ से। देखो पाजी और कैसे हो आप, फिल्में आपकी कैसी चल रही है? मैं ठीक ठीक है, ठीक है। भाभी आपके लिए वो मैसेज आया था सोनी टीवी से। क्या पढ़ के बताऊं? हाँ जी। कह रहे गेट आउट। पाजी ये बंदा हमेशा सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देते हैं। कृति मुझे आपकी ये लोहे वाली शर्ट बड़ी अच्छी लगी। पाजी टिकते भी स्वाद ना पाजी। सस्रीकाल सस्रीकाल। ए पूरी एक बार जोरदार तालियां दिलजीत पाजी, कृति और वरुण के लिए। आइए पाजी अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का, जो लेंगी अर्चना जी। वाह क्या फोटोग्राफ। थैंक यू अर्चना जी, आइए आप भी। चुचे तू सेल्फी लेना। जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरी टीम के लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.